साधना मिश्रा ने ऐसा क्या कहा कि मेगा ऑडिशंस के मंच पर उनके पति की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मेगा ऑडिशंस का ये एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरा रहा, पर कुछ कुछ मौके ऐसे आते हैं जब कंटेस्टेंट्स भावुक हो जाते हैं और वो अपनी जर्नी को लेकर और ख़ास तौर पर इस बड़े मंच को लेकर कुछ शेयर करना चाहते थे। और ऐसे ही साधना मिश्रा ने कहा। साधना कहती हैं कि मुझे खुद को पहचानने के लिए वो पावर पंख चाहिए, मैं टॉप 12 में जगह बनाना चाहती हूँ। मैं आज खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मेरी अंतरात्मा से ये निकल रहा है कि मैं इस DID सुपर मॉम्स को जितना थैंक्स दे सकूँ कम है। कि आज हम जैसी 40 साल की उम्र में अगर महिलाओं को ये स्टेज दिया है तो थैंक यू सो मच। ये सब सुनकर स्टेज पर ही मौजूद उनके पति की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अपनी पत्नी के सपनों को उन्होंने सच होता देखा है, क्योंकि उन्होंने ये सपना और उनकी बहुत पहले शुरू हुई इस मेहनत को भी देखा था। वैसे इस पूरे फॉर्मेट की अब तारीफें होने लगी है, जैसे एक माँ अपनी जिम्मेदारियों और पैशन को साथ में लेकर अपना नाम बना रही है। खास बात ये कि जजेस की तरफ से भी इन्हें हर तरह का सपोर्ट मिलता है, जिससे ये आगे और अच्छा सीखते हुए आगे बढ़ती हैं और अपने अनछुए सपनों को पाने के प्रयास में एक कदम और आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि साधना मिश्रा अपने टैलेंट के दम पर, अपने हुनर के दम पर टॉप 12 में अपनी जगह पक्की कर पाएंगी? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।